एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है लिनक्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस सीरीज में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको लिनक्स का ओवरव्यू आता है, तो बेसिक में हम जैसे डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग करना क्रॉन्स को, ठीक है, कैसे एनालाइज करते हैं क्रॉन को और स्विचिंग यूजर्स, क्योंकि लिनक्स जो है एक मल्टी यूज ओएस है और ये सपोर्ट करता है यूजर की स्विचिंग को, और वो होता है हमारा su और sudo कमांड्स की हेल्प से। तो वो चीज़ें करके हम दिखाएंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं कि मैं व्हाट इज लिनक्स ये चीज़ें बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम वर्क करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद हम आएंगे अपने साइबर किल चेन को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम रिकॉन देखेंगे कि कैसे हम रिकॉन कर सकते हैं, उसमें रिकॉन की प्रोसेसेस आएंगी, वो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सीरीज होगी ये प्रैक्टिकल पे ही होगी, हम लैब्स को सॉल्व करेंगे। या फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सप्लॉयटेशन में कि कैसे हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स में हम डिस्कस करेंगे मेटा एक्सप्लॉयट के पोस्ट मॉड्यूल्स को, उसके भी हम लैब्स को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम ब्राउज़र की फॉरेंसिक देखेंगे कि कैसे हम ब्राउज़र की फॉरेंसिक कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स की हिस्ट्री, फायरफॉक्स के लॉगिन्स एंड पासवर्ड्स, फायरफॉक्स की कुकीज़ और क्रोम के बुकमार्क्स, क्रोम की कुकीज़, ये सब कुछ हम लैब के थ्रू डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कस प्रिविलेज एस्केलेशन पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा पायोटिंग। उसके बाद हम मेंटेनिंग एक्सेस में आ जाएंगे। लास्ट में हम माइटर फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। उसमें हम कुछ टैक्टिक्स को देखेंगे, जैसे डिस्कवरी हो गया, क्रेडेंशियल एक्सेस, प्रिविलेज एस्केलेशन, परसिस्टेंस, लेटरल मूवमेंट, डिफेंस इवेजन और कमांड एंड कंट्रोल। ये 7 to 8 हम डिस्कस करेंगे टैक्टिक्स को। और ये मैं डेली, तो पॉसिबल हुआ तो मैं डेली अपलोड कर दूंगा, नहीं तो अल्टरनेट डेज में इसकी एक एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। डेली करने में फिर पढ़ने का मन नहीं करता एक ही सेम चीज़, तो बीच बीच में मैं ट्राई हैक मी के जो हम वॉक थ्रू हम डिस्कस करते हैं वो मैं अपलोड करूंगा। अल्टरनेट डेज में 1-1 वीडियोस मैं लिनक्स सिक्योरिटी की पोस्ट करूंगा। लिनक्स सिक्योरिटी कंप्लीट होने के बाद हम जम करेंगे विंडोज़ की सिक्योरिटी में, सेम पाथ हम उसमें भी फॉलो करेंगे। तो आज हम फर्स्ट लैब देखेंगे day 1 की, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉन्स को, जो हमारा पहला हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ लिनक्स में। इसमें भी मैं 5 to 6 वीडियोज इसकी पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा क्रॉन्स। अपनी लैब में चलते हैं। ये मेरी लैब है और आज जो है हमारा day 1 है लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज का। Lab 1 जो है इसमें हमें है एनालाइजिंग क्रॉन जॉब्स ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, क्रॉन जॉब्स को हम एनालाइज करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है, क्रॉन जॉब्स आर यूज टू शेड्यूल टास्क ऑन द सिस्टम। ये आपको पता ही होगा, बेसिक लिनक्स अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप इस वीडियो से पहले थ्योरी सेक्शन देख सकते हैं, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। तो क्रॉन्स क्या होते हैं, हम यूज करते हैं शेड्यूल करने के लिए टास्क, ऑटोमेट करने के लिए। जैसे हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है कोई स्पेसिफिक टाइम पे, तो हम वो क्रॉन में इंसर्ट कर देंगे और शेड्यूल कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो टाइम आपने सेट किया होगा उस पर वो रन हो जाएगा। गोल हमारा जो आज का रहेगा वो रहेगा एनालाइज द शेड्यूल्ड क्रॉन जॉब्स ऑन द प्रोवाइडेड मशीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एनालाइज करना है हमने क्रॉन जॉब को, हमें जो प्रोवाइडेड मशीन में दे रखा है
और आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के, 9 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इज द क्रॉन सर्विस रनिंग। तो हमें जो चेक करना है क्रॉन सर्विस रनिंग है या नहीं है। तो हम रनिंग प्रोसेसेस को चेक करते हैं, और रनिंग प्रोसेस हम चेक करते हैं पीएस कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हम करेंगे पीएस हाइफन ई एफ, ये हमारी प्रोसेसेस आ गई। अब इसमें हम देखेंगे जो जो हमारी क्रॉन है वो रूट यूजर से रन कर रही है, ये वाली हमारे पास हमारी प्रोसेस है ये, ठीक है। तो पहले उसका जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया है, आंसर है ये। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ क्वेश्चन में हम पेस्ट कर देते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड है हमारा, हाउ मैनी क्रॉन जॉब्स आर शेड्यूल्ड फॉर द रूट यूजर। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें रूट यूजर का पता करना है। वैसे इसमें जो जो आई है वो सब रूट की ही आई है, ठीक है। तो इसमें सारी हमारी जो है रूट की है, पर इसके लिए हम एक दूसरी कमांड यूज करते हैं जो होती है क्रॉन टैब हाइफन एल। एल लिस्टिंग कर देती है सारी क्रॉन्स को जो जो हमने शेड्यूल की है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर हमारा आ गया 5। आंसर को हम नोट डाउन कर देते हैं, हाउ मेनी क्रॉन जॉब्स आर शेड्यूल फॉर द रूट यूजर। तो इसका जो आंसर आ गया वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच बाइनरी इज सपोज टू रन 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट एवरी डे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ये पता है कि आपको पता ही होगा क्रॉन के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना, एक फॉर्मेट होता है क्रॉन का, जो आप ये देख रहे होंगे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये आप देख रहे होंगे कि क्या होता है, 5 हमारे पास टैब्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो 10 आ रहा है वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है मिनट ऑफ एन आवर को, व्हेन द क्रॉन जॉब विल रन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है मिनट को, और इसकी वैल्यू होगी 0 से 59 तक। अब सेकंड अगर उसमें हम आते हैं टैब में, तो सेकंड टैब करता है रिप्रेजेंट आर ऑफ द डे व्हेन द क्रॉन जॉब विल रन, ठीक है। ये आर मतलब घंटे को रिप्रेजेंट करता है, और ये होगा 0 से 23 की वैल्यू। थर्ड टैब जो होता है वो होता है हमारा डे ऑफ द मंथ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द मंथ को, और डे ऑफ द मंथ इसकी वैल्यू जो होती है 1 से लेके 31 तक होती है। फोर्थ जो हमारा टैब होता है मंथ का, रिप्रेजेंट करता है मंथ को, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से लेके 12 तक। और जो लास्ट हमारा होता है ये रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द वीक, ठीक है। इसमें संडे को हम 0 कंसिडर करते हैं, 0 to 7, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पांचों टैब के बारे में। जो पहला टैब होता है वो मिनट को करता है, सेकंड टैब आर को करता है, थर्ड टैब जो होता है डे ऑफ द मंथ को करता है, फोर्थ मंथ को करता है, फिफ्थ डे ऑफ द वीक को करता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम वापस अपने उसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था विच बाइनरी, पढ़ लेते हैं फिर से, विच बाइनरी इज सपोज टू रन 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट एवरी डे। तो इसका मैं फिर से वही कर लेता हूं, क्रॉन टैब हाइफन एल। तो ये कह रहा है 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट, 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट हमारा कौन सा रन कर रहा है, 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट, ये हमारा
23 plus 2, तो ये हमारा कर रहा है स्लैश बिन स्लैश बैकअप वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा डिनोट कर रहा है 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट 12:30। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा स्लैश बिन स्लैश बैकअप डॉट लोकल, ये वाली फाइल कॉपी कर लेता हूं इसे मैं। देते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच बाइनरी इज सपोज टू रन एट 2:10 PM ऑन द फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ। एवरी मंथ में 2:10 पे फर्स्ट ऑफ द ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट डे पे एवरी मंथ पे, तो इसका देखते हैं हम। ये थर्ड वाला वन हो गया फर्स्ट, और जो दूसरा आंसर दे रखा है हमारा देखते हैं 2:10। ठीक है 2:10, 14 माने 2, 12 14 माने 2 हो गया 10 और फर्स्ट डे एवरी मंथ 14 12 13 14 12 या 13 1 PM हो गया 14 2 PM हो गया 2:10 और फर्स्ट एवरी मंथ, तो ये है हमारा मेंटेन डॉट स्क्रिप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अब ये कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम फेच कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। ये सारा जो क्रॉन का खेल है वो इन्हीं 5 स्टेप्स में है, ठीक है, इन्हीं 5 स्टेप को आपको क्लियर हो गए तो आप कोई भी क्रॉन जॉब को शेड्यूल कर सकते हो और कोई भी फॉरेंसिक के टाइम पे आप क्वेश्चंस के आंसर्स को फेच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, व्हाट बाइनरी सपोज टू रन 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट 2 AM 4 AM एवरी डे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये कौन सी बाइनरी ऐसी है जो रन कर रही है 10 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, आफ्टर मिडनाइट में कौन सी वर्क कर रही है, और 2 AM और 4 AM एवरी डे, वो जो है वो है स्लैश बिन स्लैश बैकअप। ठीक है, आफ्टर मिडनाइट 10:00 हो गया, मतलब 12 10 10 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इसमें फॉर्मेशन को एंटर कर देते हैं। विच बाइनरी इज सपोज टू रन एट 8 PM ऑन वीकडेज। वीकडेज पूछ रखा है इसने, और पूछ रखा है 8 PM में, 8 PM माने 20, तो इसमें कौन सी रन कर रही है, ये वाली। ठीक है, 20 आवर्स में 1 to 5 मींस मंडे से फ्राइडे तक वीकडेज में कौन सी स्क्रिप्ट स्लैश अपडेट बाइनरी को कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच बाइनरी इज सपोज्ड टू रन एट 10 आफ्टर 4 एवरी सैटरडे। आफ्टर 4 एवरी सैटरडे पूछ रखा है इसने, तो इसमें हम देखते हैं ये वाला है, ये वाला तो आप वैसे भी पहचान जाओगे क्योंकि इसमें सैटरडे इसने मेंशन कर रखा है, और क्या बोल रखा है दूसरा उसने
but we are supposed to run at 10 after 4 every Saturdays. So 10 ये हो गया, 4 यहाँ पर आ गया, Saturday हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो गया हमारा वो ये वाली बाइनरी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, ऑन विच ईमेल एड्रेस द आउटपुट ऑफ द शेड्यूल्ड कमांड स्क्रिप्ट विल बी सेंट। तो ये तो हमारा ऊपर मेंशन ही किया है, ये तो ये मेल टू, इस वाली मेल एड्रेस पे ये मेल हो रहा है जो भी आउटपुट हो रहा है हमारा, ठीक है। विच ईमेल एड्रेस द आउटपुट ऑफ द शेड्यूल्ड कमांड स्क्रिप्ट विल बी सेंट, वो है हमारा ये वाली मेल आईडी। ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्रॉन जॉब फॉर विच बाइनरी विल नॉट ट्रिगर एन ईमेल, कौन सी ट्रिगर नहीं करेगी ईमेल, वाली बाइनरी कौन सी है जो ट्रिगर नहीं करेगी हमारी ईमेल। तो उसके लिए जो है हमारी वो है ये वाली बाइनरी, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बैकअप डॉट लोकल। तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस थे इस वाली लैब में जो हमने क्रॉन के ऊपर देखे, एनालाइज किया, क्रॉन के बारे में पढ़ा कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें यूज होते हैं, उन चीज के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर उन्हीं के बेसिस पे हमने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज का जो डे 1 था हमारी और लैब 1 थी हमारे बेसिक लिनक्स के बेसिक्स का फर्स्ट लैब थी ये, तो इसको इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। Thank you.